आज हम पोंगल मिक्स वेजिटेबल सांबार बनाते हैं। बड़े से टोप रख दिया है और उसमें जो जो आपको पसंद है वो सब्जी सब मिक्स कीजिएगा गरम पानी में। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कितने सारे वैरायटी सब्जियाँ मैंने गरम पानी में मिक्स किया है। पोंगल के दिन ये स्पेशल सांबार हर घर में बनता है। मैंने कम से कम 10 डिफरेंट सब्जी लिया है। एक्चुअली इस दिन सांबार बना के हम आसपास पड़ोस में हम बांटते भी हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बांटते हैं। अभी हमें इसमें टमाटर ऑनियन ऐड करेंगे। मैंने जो भी मसाला यूज किया है पूजा के लिए अलग से लेके आई हूँ, घर से कुछ भी मैंने पुराना मसाला यूज नहीं किया। टेस्टी सांबार बनाने के लिए हम अभी इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी यस, पहले हम इसमें सॉल्ट यूज करेंगे, धनिया मसाला, मिर्ची मसाला, हल्दी, और सांबार मसाला, आची मसाला यूज किया है। और इंक पाउडर स्वाद अनुसार। चलो अभी अच्छे से हम मिक्स करते हैं सांबार को। मिक्स करने बाद अच्छे से इसे पकाने देते हैं। कम से कम आधा घंटा सब्जी पकना चाहिए। देखिए अभी उबलने आ गया है, सब्जी आधा पक गया है। दाल पाव किलो दाल और सफेद चना दोनों अच्छे से पका के मैंने इसमें अभी मिक्स कर दिया है। और इमली का पानी, देखिए आप मैंने कितना इमली लिया है, पानी भी मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। अभी हम पोड़नी करने वाले हैं। एज यूजुअल राई, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता और चने का दाल, उड़ीद दाल, सूखा मिर्ची सब मैंने डाल के पोड़नी दिया है। पोड़नी देने के बाद इसे हम सांभार में अभी मिक्स करते हैं। अभी मिक्स किया, चलो एक बार फिर से सांभार को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाओ, वेरी टेस्टी सांभार। सांभार रेडी एंड हैप्पी पोंगल सांभार।